दोस्तों, प्रभास के 620 करोड़ी प्रोजेक्ट के का नया टाइटल आ चुका है। इसको कल्कि 2898 AD नाम दिया गया। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि कल्कि का मतलब होता है भगवान विष्णु का 10th अवतार या फिर बिल्कुल लास्ट अवतार। जब कलयुग का अंत होगा, धर्म का नुकसान होगा, विचारों पे अत्याचार होगा, बुरी शक्तियां हावी होने लगेंगी, तब कल्कि आएंगे बुरी आत्माओं और शक्तियों से लड़कर वह नए युग का निर्माण करेंगे। दोस्तों ये होता है कल्कि, विष्णु का 10th अवतार। दोस्तों अब बात करते हैं अब फिल्म के बारे में कि क्या है कल्कि फिल्म के अंदर और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन द्वारा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा हाइप थी कि प्रोजेक्ट के क्या है, इसका नाम क्यों दिया, फिल्म में क्या होने वाला। दोस्तों मेरा पहला ऑनेस्ट रिएक्शन ये है कि एक प्रॉपर फिक्शनल सुपरनेशनल एक स्टार वॉर जैसे है ना हॉलीवुड, वैसी फिल्म होने वाली है। फिल्म के अंदर प्रभास का लुक भी दिख गया, दीपिका पादुकोण का भी लुक दिख गया, बट भाई अपने कमल हसन का लुक बिल्कुल भी नहीं दिखा। आई थिंक वो विलन है। और एक बिल्कुल छोटा सा अपने अमिताभ बच्चन का लुक दिख गया, उनकी वो आंखें दिखी थी। और जब से इसका भाई ये ग्लिम्स आए ना भाई, सब हर कोई ओपनहाइमर, बारबी, बवाली, तीन चार बड़ी फिल्मों के भाई भूल बैठा है। इवन गदर 2 को लोग भूल बैठे हैं, जबकि गदर 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट आ चुकी है। सब बस एक ही बात कर रहे हैं, क्या है कल्कि, कौन है कल्कि, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया कल्कि 2898 AD। मार्बल मूवीज की तरह नाग अश्विन जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी यह फिल्म एक प्रॉपर एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली, जिसमें प्रभास का नाम शायद ही कल्कि रखा जाएगा, जो कि बुरी ताकतों से लड़ाई करेंगे और लास्ट में अपने लोगों को बचा लेंगे, ऐसा मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं। इसमें सुपर हीरो कल्कि की कहानी बताई जाएगी और यह भूमिका प्रभास निभाने वाले। मैंने बोला था ना भाई, टीजर में दीपिका पादुकोण का भी लुक बहुत ही नया है एंड फिलहाल अभी कमल हसन का लुक नहीं आया है, बाकी अमिताभ बच्चन का आ चुका, हल्का सा मतलब आके दिखाई गई है। और इसके भी रिलीज डेट नहीं आई है, बट ऑनलाइन मतलब नेट पर दिखा रहे हैं कि 12 जनवरी को आएगी फिल्म, रिलीज होगी 4-5 भाषाओं में। नाग अश्विन ने प्रोजेक्ट केक को बेहद अलग अलग अंदाज में सब इंट्रोड्यूस किया। पहले मतलब पहला पोस्टर, सेकंड पोस्टर, मतलब पहला प्रभास का बहुत गंदा भाई बॉय कंट्रोल वाला, उसके बाद उनका था सेकंड पोस्टर बहुत ही अच्छा था भाई, और अब आ चुका इसका ग्लिम्स। उन्होंने इसको लिखा है ट्विटर पे, दिस इज प्रोजेक्ट के फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ इंडियाज माइथोलॉजी साइंस फिक्शन एपिक। दोस्तों ऐसा इनको टाइटल दिया गया। दोस्तों आप अब कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो फिल्म को लेके, क्योंकि फिल्म बहुत ही डार्क लग रही है, इंटेंस लग रही है, और भाई विष्णु का अवतार तो भाई कुछ नया ना इसमें होने वाला है, बस ये आदि पुरुष की तरह फ्लॉप ना हो जाए यार। तो मिलता अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़।